नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। तीसरे चरण में अब तक कुल मिलाकर 240 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नामांकन पत्रों की घोषणा कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल मिलाकर 240 नामांकन पत्रों को दाखिल कर दिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार की माने तो इस चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 23 अक्टूबर तक नामांकन वापसी अंतिम तारीख निर्धारित की है। इसके साथ ही तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के साथ होने वाले वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी रखी जाने की बात कही है। नामांकन भरने का अनोखा दिखा अंदाज। आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वहीं नामांकन भरने वालों की चर्चा भी खूब हो रही है। कभी कोई साइकिल पर सवार होकर सुर्खियां बटोर रहा है तो कभी कोई भैंस पर चढ़कर अपना नामांकन दर्ज करवाने पहुंच रहा है। इसी क्रम में हाल ही में एक और नेता का अनोखा नामांकन भरने का अंदाज देखने को मिला। गया शहर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रत्याशी मोहम्मद परवेज आलम चर्चा में आ गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपना प्रचार भैंस पर बैठकर कर रहे थे। हालांकि उनका यह कदम उन्हीं पर भारी पड़ गया। पशु क्रूरता अधिनियम और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के आरोप में उनके खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर नेताजी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उनके पास महंगी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने भैंस पर आने का फैसला लिया। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे चंद्रमती देवी और अभिषेक सिन्हा की। चंद्रमती देवी का जन्म भी आज ही के दिन साल 1909 को बिहार में हुआ था। एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो हिंदी के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी दिखाई दी। उन्हें 1935 में क्लासिक देवदास में चंद्रमुखी के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वहीं बात अभिषेक सिन्हा की करें तो उनका भी जन्म आज ही के दिन साल 1984 में बिहार के सिवान जिले में हुआ था। अभिषेक सिन्हा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 2008-09 में रणजी ट्रॉफी में 3 नवंबर 2008 को सेवाओं के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कल से भरेंगे चुनावी हुंकार। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव की कमान संभालने कल से योगी आदित्यनाथ भी जनसभाओं का संबोधन करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। 20 अक्टूबर से सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 सभाओं का आयोजन करवाया जाना है, जिसके परिणाम स्वरूप कल योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे बिहार के लिए लखनऊ से उड़ान भरेंगे। कैमूर में 12 बजे दूसरी सभा, अरवल में 2 बजे और रोहतास के विक्रमगंज में 3:15 पर रैली का संबोधन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी तरफ से अब तक 30 प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने जारी किया अपना चुनावी मैनिफेस्टो। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्लूरल्स पार्टी ने अब अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 2020 से 2030 के 8 दिशा 8 पहर के नाम से पार्टी ने बिहार के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी ने 8 पॉइंट में कई सब पॉइंट्स में अपना घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और पार्टी प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने घोषणा पत्र की जानकारी ट्वीट करके दी है, जिसके तहत 8 डेवलपमेंट जोन में बिहार का विकास, प्रत्येक डेवलपमेंट जोन में 8 औद्योगिकी जोन की स्थापना, कृषि का उद्योग का दर्जा, साथ ही साथ हर जोन में 1 लाख स्टार्टअप, कृषि उद्योग, आईटी, फाइनेंस संबंधित हर जोन में फ्लड एंड इरिगेशन सिस्टम, प्रत्येक जोन में लर्निंग के 8 स्टेट ऑफ द आर्ट शिक्षा केंद्र, प्रत्येक वार्ड और पंचायत में 8 बुनियादी इंस्ट्रक्टर और गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को जीवन की 8 बुनियादी सुविधा मुहैया करवाने का वादा किया गया है। बिहार बंगाल बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़े 65 लाख। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए धनबल को रोकने के लिए सीमाओं पर सतर्कता से काम किया जा रहा है। वहीं पुलिस को भी आए दिन बड़ी कामयाबी मिल रही है। इसी क्रम में रविवार की देर शाम भी पुलिस बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मिली जानकारी के अनुसार वाहन जांच के दौरान बिहार बंगाल के बॉर्डर पर बनाए गए चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान 65 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रामपुर मध्य निषेध चेक पोस्ट पर 60 लाख और फरीगौरा चेकपोस्ट पर 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरे खेसारी लाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित किए गए प्रचार प्रसार में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल भी मैदान में उतर गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सारण जिले के मढौरा टहटी डिग्री कॉलेज में राजद की तरफ से चुनावी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान कोरोना के मद्देनजर जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते भी देखी गई। खेसारी लाल की झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला। वहीं खेसारी लाल यादव खुद राजद प्रत्याशी के पक्ष में वोट की मांग करने के लिए ही आयोजित जनसभा में पहुंचे थे। इतना ही नहीं, भीड़ के कारण बैरिकेडिंग भी टूट गई। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि मढौरा से जितेंद्र रॉय को जिताना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार के तापमान में लगातार
लगातार हो रही है वृद्धि। बिहार में मौसम का मिजाज काफी सुस्त नजर आ रहा है क्योंकि दिन के तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 24 घंटे में मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया है। यह 33 से 36 डिग्री पर बना हुआ है। रात के तापमान में भी कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है जो कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक है। पूरे प्रदेश में उत्तर और उत्तर पश्चिमी की हवा चल रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले 2-3 दिनों में बादल छाए रहने के आसार भी जताए हैं। कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे और रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। राजद ने ईमान बेचकर मुख्यमंत्री बनने से किया इनकार। बिहार विधानसभा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं विपक्षी नेता भी बयानबाजी और तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनडीए को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि अगर सीएम बनना होता तो अपना ईमान बेचकर भाजपा से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजद एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जिसने भाजपा और आरएसएस से आज तक समझौता नहीं किया। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा कि लालू जी ने हमेशा भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। दिवाली छठ के पहले बिहार के कई ट्रेनों में नहीं मिलेगा कन्फर्म टिकट। छठ और दिवाली से पहले यात्रा करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। त्योहारी सीजन आने से पहले बिहार से चलने वाले कई ट्रेनों में सीट फुल हो गए हैं, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कई पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करवाया है, लेकिन घोषणा के साथ ही हावड़ा रूट से चलने वाली ट्रेनों में नवंबर महीने का सारा सीट फुल बताया गया है, जिसकी जानकारी वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने दे दी है और बताया है कि नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में बिहार से चलने वाले सभी ट्रेनों में सीट फुल हो चुकी है। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी भी हो गई है। 21 अक्टूबर को अलग से राजद जारी करेगा अपना घोषणा पत्र। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, जिसके बाद महागठबंधन की तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो कुछ दिन पहले जारी किया गया था। हालांकि अब राजद अलग से चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार राजद 21 अक्टूबर को अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। इसकी जानकारी राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने दी है, जिसमें राजद ने अपने मतदाताओं के सामने एक व्यापक नजरिया पेश करने का फैसला लिया है कि किन किन कामों पर सरकार बनने के बाद राजद अग्रसर होकर काम करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगामी चुनाव में राजद की बूथ कमेटियां कांग्रेस और सहयोगी दल के लिए काम करने वाली है। जदयू नेता गणेश भारती राजद में हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान जल्द ही होने वाले हैं। वहीं दल बदल की राजनीति भी तेजी से देखी जा रही है। लगातार चुनाव के मद्देनजर और टिकट नहीं मिलने पर नाराज नेता दल बदल की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद गणेश भारती ने रविवार को पार्टी को अलविदा कहते हुए राजद का दामन थाम लिया है। वो नौनिया समाज के नेता माने जाते हैं। उन्हें राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल करवाया गया है। इस दौरान पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने कहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। अनुराग कश्यप के बारे में पायल घोष ने अब इरफान पठान को सब कुछ बताने की कही बात। एक्ट्रेस पायल घोष ने हाल ही में अनुराग कश्यप पे खूब सारे इल्जाम लगाए थे। वहीं इसके साथ ही पायल घोष ने इस पूरे मामले में ऋचा चड्ढा समेत कई अभिनेत्रियों का नाम भी लिया था। हालांकि ऋचा चड्ढा के साथ शुरू हुआ विवाद थम गया है, मगर अब पायल घोष ने एक बार फिर से अनुराग कश्यप का नाम लिया है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान पायल ने कहा कि मैंने इरफान पठान को गलत बर्ताव करने वाली बात नहीं बताई थी, लेकिन अनुराग के साथ मेरी बातचीत के बारे में सब बताया था। उन्हें सब पता था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इरफान पठान को टैग करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे उनमें इंटरेस्ट है। मैंने उन्हें अनुराग के बारे में सब बताया था। मुझे विश्वास है कि वो सब बताएंगे जो भी मैंने कहा था। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेगी सीएसके और राजस्थान की टीम। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स आज एक दूसरे से भिड़ने वाली है। वहीं आज होने वाले मैच में दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। हालांकि सीएसके और आरआर दोनों की टीम ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिनमें से दोनों ही टीम को 3 में जीत हासिल हुई है। आज का मैच हालांकि दोनों ही टीम के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो कोई भी आज के मैच को हारेगा वो लगभग आईपीएल 2020 प्लेऑफ के दौर से बाहर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ स्पॉट के लिए जूझने के लिए एक और दिन बच जाएगा। हालांकि आज देखना दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम, जो कि 3 बार चैंपियन रह चुकी है, आज का मैच अपने नाम दर्ज कर पाती है या नहीं। क्या स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स आईपीएल 2020 में एक और दिन बच सकते हैं या नहीं। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 75 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 55,722 मरीजों की
पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 75,50,000 के पार पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 579 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,14,610 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, उससे मंत्रालय का यही अंदाजा है कि शायद भारत में कोरोना का प्रभाव अब अपने ढाल की तरफ बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि भारत में अब कुल मिलाकर 66,63,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 7,72,000 सक्रिय मामले ही बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, चुनावी जनसभा में जमा हो रही भीड़ को देखते हुए क्या जनसभाओं में सख्ती दिखाई जानी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।